स्पॉन्सर के अभाव में दम तोड़ती एक पर्वतारोही की प्रतिभा। दलाल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से एक पर्वतारोही ने समाज से की अपील, मेरे सपनों को किया जाए साकार। गोरखपुर जिले के खजनी तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम गोरेसरा नगर पंचायत उनवल से सटा गांव है। इसी गांव के एक होनहार बालक पर्वतारोही का नाम उमा सिंह है, जो कि एक पर्वतारोही है। उमा सिंह ने अपनी पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उमा के अंदर पर्वतारोही बनने का जज्बा जग गया। उसके बाद उमा सिंह ने माउंट एवरेस्ट विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। बस क्या था, उमा सिंह अपना सब कुछ छोड़कर पर्वतारोही बनने के लिए निकल पड़े। खोजबीन मेहनत के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में जगह मिल गई। इस इंस्टीट्यूट में ए ग्रेड के साथ BRC पूरा किया। यहीं इनको सक्रिय ट्रेनिंग के बारे में पता चला, जिसके लिए उमा सिंह जाब करके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से BMC की डिग्री ए ग्रेड में हासिल की। इसी दौरान उमा ने 15,700 फीट की ऊंचाई पर जाकर भारतीय तिरंगा भी फहराया। फिर इनके द्वारा ARC और रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग भी ए ग्रेड में हासिल की गई। अभी उमा सिंह उत्तर प्रदेश के एक पहले पर्वतारोही हैं जो रॉक क्लाइंब को ट्रेनिंग देते हैं। उमा द्वारा चेतक कमांडो को भी पर्वत पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। क्लाइंबिंग कैंप में भी उमा का उत्तर प्रदेश में अकेले चयन हुआ था, जिसके अंदर उमा सिंह ने अपने टीम के साथ 14,000 फीट का एक नया रास्ता खोज निकाला। मीडिया से बात करते हुए उमा ने बताया कि मेरे जीवन का यह सपना है कि मैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई करूं, जो कि भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। वहीं वर्तमान समय में मैं साइकिलिंग से भ्रमण पर जा रहा हूं। 100 दिन में 12,000 किलोमीटर तथा 28 राज्यों के कैपिटल तक जाना है, जो कि भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड बनेगा, जो मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, मैं अपने सपने के लिए निकल पड़ा हूँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मेरे इस सफ़र में आर्थिक तंगी ज़्यादा है, पता नहीं मैं अपने सपने तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। आप सभी लोग मेरी मदद करें, मेरे लिए एक स्पॉन्सर की व्यवस्था करें, जिससे मैं सपना को पूरा कर सकूं। खजनी तहसील गोरखपुर से कृष्ण मोहन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उमा सिंह। आप पर्वतारोही हैं? यस। कहाँ से ख्याल आया आपको पर्वतारोही बनने का? मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उस दौरान हमारे भूगोल के सर ने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ाया था। उस दौरान उन्होंने बताया कि इस पर कैसे लोग जाते हैं और पूरे विश्व में कितने कम लोग जा पाते हैं, इसको जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब ये सभी लोगों की आम चीज़ नहीं है, सभी लोग नहीं जा सकते हैं। उस दौरान मेरे मन में आ गया कि मेरे को माउंट एवरेस्ट ही करना है। इसके लिए आप कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं? हाँ, इसके लिए मैंने वो स्वामी विवेकानंद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से रॉक क्लाइंबिंग का बेसिक, रॉक क्लाइंबिंग एडवांस, रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर, यहाँ तक की कोचिंग किया हूँ और कोर्स किया हूँ। और उसके बाद मनाली इंस्टीट्यूट से, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैंने वो BMC का भी कोर्स किया है और ए ग्रेड से मैंने उसको कंप्लीट, सारे कोर्स मैंने ए ग्रेड से कंप्लीट किए हैं। और मैंने 15,700 फीट की हाइट भी गेन किया है इस दौरान हिमालय में चितिधार पीक। अभी क्या क्या दिक्कत हो रही है आपके सामने? हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक पीक पर 5,500 से 6,000 फीट की पीक पर जाने में हमको लगभग 40,000, 50,000, 60,000 रुपये लग जाते हैं मिनिमम कॉस्ट, उससे अधिक भी लग जाते हैं। और बिना एक माउंटेनियर के लिए बिना माउंट पर गए प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, नीचे से नहीं हो सकता उनको, यानी पर्वत पर रहना है तभी उनकी प्रैक्टिस हो सकती है, और पर्वत पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। यही सबसे ज़्यादा दिक्कत पैसे की हो रही, फाइनेंशियल कंडीशन।